औरत कितनी देर मर्द के बगैर रह सकती है, आए सुने। हमारे यहाँ औरतों से मुतल्लिक बहुत सी बातें मशहूर हैं और वो तमाम सीना गज़ट के तौर पर सदरी नुस्खों की तरह चली आ रही हैं। कोई कहता है कि औरत मर्द के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती, कोई कहता है कि औरत पर्दा, औरत को परवाह भी नहीं होती, कोई कहता है कि औरत में शहवत मर्द से 8 गुना ज़्यादा होती है, कोई कहता है कि औरत किसी तरह भी सैर नहीं होती। गर्ज ये और ऐसी बहुत सी बातें सुनने और पढ़ने में आती रहती हैं, लेकिन इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही साइंस और तिब इन बातों को तस्लीम करती है। ये बातें कुछ इस तरह जहनों में बैठ चुकी हैं कि कोई भी असल हकीकत को जानने की कोशिश नहीं करता। जहाँ तक औरत का मर्द के बगैर रहने का ताल्लुक है, तो वो हर औरत के मिजाज और माहौल की निस्बत से है। मैंने इस सिलसिला में बहुत सी पढ़ी लिखी, अनपढ़ और मुलाजमत पेशा खवातीन से मालूमात हासिल की। एक दो बातें सब में मुश्तरिक थी। वो औरत जो शादीशुदा हो, वो अय्याम से एक हफ्ता कबल और अय्याम के फौरन बाद मिलाप के लिए बहुत बेकरार होती है। ये ज़माना इसके लिए अज़ियत, बेकरारी और बेचैनी का ज़माना होता है। एक तालीम याफ्ता खातून ने दौरान इलाज बताया कि मेरी सेहत बहुत अच्छी थी, मेरी शादी हो गई। शादी के बाद 3-4 माह तक मियाँ की कुर्बत रही। मियाँ हर रात आखिरी रात समझकर प्यार करते और इस तरह टूट कर प्यार करते कि मैं नींद बेहोश हो जाती। वो रात में तीन चार दफ़ा मलाप करते और हर दफ़ा इस तरह गर्म करते कि मेरे पस्तानों से धुआं निकलना शुरू हो जाता। मैं बेसुध होकर लेट जाती तो वो अपना अमल शुरू करते। मैं चूँकि इस लज्जत से वाकफ़ ना थी, पहली दफ़ा जब सुहाग रात में इंजाल हुई तो बहुत मज़ा आया। बस फिर क्या था, जवानी के दिन, जवानी की रातें, हर वक्त यही बहुत सवार रहता। मियाँ रात को मुझे सीने से लगाकर सोते और मेरा पस्तान हाथ में पकड़े रखते। इब्तदा में मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन जब मैं इस तिलस्माती आदत का शिकार हुई तो फिर दुनिया की हर चीज़ हकीर नज़र आने लगी। हर वक्त मियाँ के ख्वाब और ख्याल में गुम रहती। अगर दिन में वक्त मिलता तो फिर यही अमल होता। गर्ज इस तरह 4 माह गुजर गए। इन 4 माह में अय्याम हैज़ में भी वो मुझे नहीं छोड़ते थे। 4 माह के बाद वो बैरून मुल्क चले गए और मेरी दुनिया अंधेर हो गई। इसने कसम खाकर कहा कि मैं अक्सर रात को सोने से पहले बिस्तर पर रोती रहती थी, करवटें बदलती रहती थी। इस तरह डेढ़ बरस गुजर गया। मैं एसाबी और जहनी मरीज़ हो गई। इस सिलसिला में आपके पास इलाज के लिए आई हूँ। उसने मज़ीद बताया कि अब मेरा जिंसी हिजान और जज्बा ख़त्म हो चुका है, अब मैं सिर्फ बर्फ़ के सेल हूँ। मैंने उसे मशवरा दिया कि बाहर से अपने मियाँ को बुलाएं। चुनाचे उसका मियाँ बाहर से आया। वो कई माह तक इसमें वही जज्बा ढूंढता रहा जो वो छोड़ गया था, लेकिन यहाँ तो सिर्फ बेकार रूह थी। कई माह की रफाकत के बाद इसमें जज्बा शहवानी उजागर हुआ। फिर इसके मियाँ को हदायत की कि वो इसे तन्हा ना छोड़े बल्कि उसे साथ ले जाए। चुनाचे उसने ऐसा ही किया और वो इसे साथ ले गया। करीबन तमाम औरतों ने ये बात बताई कि अगर मर्द ज़्यादा देर तक ना मिले तो औरत एसाबी और जहनी मरीज़ हो जाती है। वो अपने जज्बात को कुछ इस तरह दबाव में दबाती रहती है कि आखिर एक दिन वो खुद दब जाती है। बाज़ औरतों ने बताया कि चूँकि हमारा खिता गर्म है, इसलिए यहाँ लड़कियाँ जल्द बालिग हो जाती हैं और इनमें गर्मी भी ज़्यादा होती है, इसलिए शादीशुदा औरत ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह मर्द के बगैर निकालती है। वैसे तो इसके मुंह पर चुप का ताला लगा होता है और अगर वो चाहे तो सारी उम्र मर्द के बगैर गुजार दे। इस बात की हर औरत ने नफ़ी की है कि इसे मर्द की परवाह नहीं होती, बल्कि उन्होंने इस बात का इकरार किया है कि हर औरत मर्द के बगैर नामुकम्मल है। औरत ज़िंदा ही मर्द के दम से है। औरत में जज्बा शहवानी तो मौजूद होता है, लेकिन शर्मो हया माने होती है।
जहाँ तक 8 गुना ताकत का ताल्लुक है वो गलत है, क्योंकि आज तक कोई भी औरत किसी मर्द को ज़बरदस्त पकड़ कर नहीं ले गई, बल्कि मर्द ही ज़बरदस्ती करता है। अगर मर्द सही तौर पर तंदुरुस्त हो, इसके आलाए तनासल में पूरी शक्ति हो, सरत इंजाल का मरीज़ ना हो, तो औरत इससे सैर हो जाती है।